नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के बारे में। फिर से ये भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, भारत को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए। एक्चुअली जब भी हम बॉम्बर्स की बात करते हैं, अचानक से काफ़ी सारे र्यूमर्स इधर उधर से फैलने लगते हैं। लेकिन एक आपको बता दूँ, अचानक से डिफेंस सेक्टर में फिर से ये बात क्यों चालू हो गई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की। एक साल पहले करीब हमारे जो रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल थे अरूप रहा सर, उन्होंने द चाणक्य डायलॉग्स फोरम में एक बात कही थी कि भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को एक बॉम्बर का स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। ये उनका पर्सनल ओपिनियन था। तो ये जब ये ओपिनियन था उनका पर्सनल, तो ये क्या हो गया, मतलब क्या चल रहा है कि ये ओपिनियन दिया गया। ये एक साल बाद अचानक से इसके लिए आ गया क्योंकि पार्लियामेंट्री कमिटी जो है ऑन डिफेंस, उसने भी कहा है एक तरफ तो हमारे फाइटर जेट्स की संख्या घट रही है, प्लस MRFA जो है आपका वो भी आप लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बॉम्बर्स हमारे दुश्मन बैठा रहे हैं, हमारे पास उसका जवाब नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर संज्ञान लिया जाए गवर्नमेंट को, ऐसा उन्होंने अपने रिपोर्ट में दिया है। और उसके बाद से ही ये अरूप रहा सर की जो ये वीडियो थी, ये हद से ज़्यादा वायरल होने लगी और इस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर वापस से चर्चा चालू हो गई है। आपको बताता चलूं, मोस्टली जब हम, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि दुश्मन तो हमारे बॉर्डर पे हैं, तो हमें बॉम्बर्स की क्या ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमारे फाइटर प्लेन समझा के मार सकते हैं। और दूसरे लोग भी बहुत सारे मिलेंगे जो कहेंगे कि बॉम्बर्स जो है एक स्लो मूविंग टारगेट है, इसको आप सरफेस टू एयर मिसाइल से भी मार के गिराया जा सकता है, तो ये सही है, ऑप्शन है या नहीं है। मैं हर किसी के, देखिए, ओपिनियन की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक मैच्योर ओपिनियन और डिस्कशंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और ये डिफेंस सेक्टर में अगर आपको एक मैच्योर ओपिनियन देना है, तो आपको डिफेंस के बहुत अंदर तक जाना होता है। पहले मैं एक बात बता दूं, हमारा मैक्सिमम जो फोकस रहता था वेपन्स का, वो पाकिस्तान को देख के रहता था। पर अब जिस हिसाब से सिनेरियो चेंज हुआ है, जियोपॉलिटिक्स चेंज हुआ है, हमारे वेपन्स मोस्टली चाइना को देखकर हम बनाते हैं, क्योंकि चाइना को काउंटर हो गया तो ऑटोमेटिकली आप समझ के चलो आपका पाकिस्तान भी काउंटर हो ही जाएगा। अभी आपको बताऊँ, जो लोग बोलते हैं हमारे दुश्मन सिर्फ बॉर्डर्स में है, कभी आपको अगर मेनलैंड चाइना पे भारत को अटैक करना रहा, तो मेनलैंड चाइना जहाँ एक्चुअल चाइनीज पब्लिक्स की पॉपुलेशन रहती है, वो हमारे बॉर्डर से काफ़ी दूर है, वो हमारे बॉर्डर्स के सामने है ही नहीं। मेनलैंड चाइना वो काफ़ी दूर है, वहाँ पर स्ट्राइक कर पाना फाइटर जेट से पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ फाइटर जेट्स जाकर अपने सॉर्टीज नहीं भर पाएंगे। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं वहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए। पहला ऑप्शन बचता है कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाए, और दूसरा होता है या तो एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, ये सब भेजा जाए। लेकिन फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर्स भेजने के लिए आपको साउथ चाइना सी में मेनलैंड चाइना के काफ़ी करीब जाना पड़ेगा, तो ये एक रिस्की ऑप्शन हो जाता है। थर्ड, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करें, और या फिर आप एक बॉम्बर रखें अपने पास। बहुत लोग, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत लोग बोलेंगे सरफेस टू एयर मिसाइल से आप बॉम्बर्स को मार के गिरा सकते हैं। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ लिटरली, कि सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है अभी तक की दुनिया में। बिना आंख बंद किए कोई भी बोलेगा S-400। ये 400 की रेंज किलोमीटर दूर तक जाके मार सकता है, और 600 किलोमीटर पहले ही आप डिटेक्ट कर सकते हैं S-400 कि मेरा कोई एनिमी आ रहा है। वहीं आप समझ लीजिए जिसकी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की, तो भारत जिसको लेने में इंटरेस्टेड है, अभी जो रशियन ऑफर किया है, दोनों TU-160 और पागदा। अभी पागदा पे नहीं जाते हैं, मैं TU-160 को ही पकड़ रहा हूँ, जिसकी आपको वीडियोज ऊपर दिख भी रही हैं। TU-160 हमारे पास है, और उसमें ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज जो कि 800 किलोमीटर का है, वो भी उस पर लगा हुआ है। तो आप समझ के चले कि वो S-400 के रेंज में बिना आए अपने स्टैंड ऑफ रेंज से आपको टारगेट को हिट कर सकता है। तो S-400 से तो अच्छा सरफेस टू एयर मिसाइल है नहीं, तो आप उसको मारोगे कैसा। चलिए मान लें कि आप बोलेंगे एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस है, तो लैंड बेस्ड लॉन्चर से फायर कर देना चाहिए, बॉम्बर्स की क्या ज़रूरत है।
लैंड बेस्ड रडार आपका जो लॉन्चर्स रहते हैं उसको रडार्स पर इजीली आपका जो सिंथेटिक अपर्चर रडार रहता है वो इजीली उसको कैप्चर कर सकता है और कोई भी दुश्मन आपको प्रिएंटिव स्ट्राइक करके उस जगह को नष्ट कर सकता है। बॉम्बर्स एक्चुअली बहुत जरूरी होते हैं जब आपको डोमिनेंस और डिटरेंस रखना होता है। TU-160 को है अभी तक का ये सबसे फास्टेस्ट बॉम्बर है इन दी वर्ल्ड और सबसे बड़ा बॉम्बर है इन दी वर्ल्ड। ये हर एक चीज में कैपेबल है, न्यूक्लियर ले जाने बोलिए, कन्वेंशनल आप लेके जाए, वो सब। आप फिर भी मैं बोल रहा हूँ, एक और डाउट क्लियर करता हूँ, आपको अगर कहीं पे एक बड़ा एरिया में पूरा बॉम्बार्डिंग करना है, आप मान लीजिए सुखोई में ही लगा के लेके गए, सुखोई तो उतना दूर शॉर्टेज भर नहीं पाएगी, छोटी रेंज में भरेंगी, लेकिन फिर भी आपके मान के चलो, तो आपका एक सुखोई दो ब्रह्मोस कैरी कर सकती है। अगर एक स्क्वाडन में आपका 18 है प्लेन्स जो कि सर्विसेबल में रहेंगे या फिर सर्विसेबिलिटी में जो उड़ान भरने के लिए तुरंत रेडी है, समझ के चलिए 10 है, तो 10 × 2 20 20 ब्रह्मोस वो कैरी करेंगी। यहाँ अकेला ये TU-160 पूरा उस स्क्वाडन से ज्यादा ब्रह्मोस कैरी करके उड़ सकता है विथ न्यूक्लियर हेड्स, तो ये अच्छा है। एक या 20 एक साथ उड़ाना वो अच्छा है, ये भी आप समझो। दूसरा चीज, उसको हमारे को एक स्क्वाडन उसका चाहिए ही चाहिए, ब्रह्मोस आप समझिए इसमें लगा हुआ है TU-160 में या पागदा में, और ये तीनों को मिसाइल छोड़ देता है स्टैंड ऑफ रेंज से, तो ब्रह्मोस तो ऐसे ही पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि वो ट्री हाइट में उड़ती है, तो आप समझिए ये कितना घातक हो जाएगा और कितना प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि हमको बॉम्बर्स होना चाहिए। ये एक गलत थ्योरी है कि हमारे पास बॉम्बर्स नहीं होने चाहिए। बॉम्बर्स जितना पेलोड कैरी कर सकता है अपने अंदर उतना कोई नहीं कर सकता है, और एयर डोमिनेंस और सी डोमिनेंस प्लस आपका डेटरेंस आपका पूरा कंट्री में रखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर मीडिया की रिपोर्ट माने तो भारत इसको बहुत प्रायोरिटी पे ले रहा है। हाँ, मैं नहीं बोलूँगा कि भारत के पास सिर्फ यही एक प्रायोरिटी है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और भी प्रायोरिटी में है, हमें फाइटर जेट्स भी लेने पड़ेंगे, हमारे पास दूसरी चीज़ें भी हैं, इंजिन्स का भी डील है, लेकिन ये भी एक प्रायोरिटी के क्षेत्र में ही आता है। अभी नंबर कौन सा डिफेंस मिनिस्ट्री देती है वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी एक प्रायोरिटी में ही है कि हमको लेना है। रिपोर्ट्स के माने तो भारत 3 बॉम्बर्स को इवेल्युएट कर रहा है, TU-160 जो कि रशिया का ही है, पागदा ये स्टेल्थ बॉम्बर है ये भी रशिया का ही है, और B-1 लैंसर जो है वो आपका अमेरिका का है। लेकिन TU-60 पे ज़्यादा ध्यान इसके लिए दिया जा रहा है अभी क्योंकि TU-60 का नया प्रोडक्शन लाइन अभी 2021 में ही खोला गया था और पागदा को अभी बनने में 2027 से वो चालू होएगा, इसके लिए अभी। और B-1 लैंसर की जो बात करें तो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, और मैं आपको खूबियां बताता हूँ TU-160 की, तो आपको समझ में आएगा B-1 के सामने बच्चा है। पहली बात आपको बता दूँ, 2021 में इसको अभी नया बनाना चालू किया गया TU-160 को, प्लस इसमें प्रॉपरली एडवांस एवियोनिक्स, रडार्स, सिस्टम्स, एयर सुइट, आपको फ्लाई बाय वायर सब कुछ एकदम टॉप टू डेट नया डाला गया है, अच्छा नया प्रोडक्शन में है और इसका नया प्रोडक्शन लाइन बना है, और रशिया भी इसको 50-60 की संख्या में अपने जगह ले रहा है अपने फोर्सेस में। ये सबसे फास्टेस्ट प्लेन है जैसे मैंने बताया आपको TU-160, ये Mach 2 का स्पीड से भी ज़्यादा का स्पीड पकड़ सकता है इतना भारी होते हुए। वहीं पे आपको B-1 लैंसर 1.3 का स्पीड पकड़ता है, 1.3 Mach का। इसका पेलोड कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी करता है 45,000 kg, वहीं आपका B-1 कैरी करता है सिर्फ 25,000 kg। हाँ, माना बॉम्बर एक हाई कॉस्ट चीज़ है, मेंटेनेंस हाई रहता है, पर जहाँ पे स्टैटिक फोर्स कमांड की बात आती है या आपको डिटरेंस और डोमिनेंस की बात आती है तो पैसे पीछे चले जाते हैं, वहाँ पे सुरक्षा और आपका डिटरेंस डोमिनेंस मायने करता है। TU-160 हम 6 की संख्या में लेंगे और बाकी 14 हम शायद पागदा पे जाएं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। B-1 लैंसर तो मेरे हिसाब से अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो कब धोखा दे, इसके लिए वो लेना का कोई मायने नहीं बनता है, ये मैं बता रहा हूँ। बाकी TU-160 6 की नंबर में अभी तो हमको ऑर्डर करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, और रेस्ट हमको स्टेल्थ के लिए रुकना चाहिए फॉर पागदा के लिए, क्योंकि उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं और हम रशिया हमको ट्रस्टी भी है, हमारा एक ट्रस्टफुल फ्रेंड भी है। आपको क्या लगता है बताइएगा, भारत को TU-160 के साथ जाना चाहिए या B-1 लैंसर के साथ जाना चाहिए? अभी तक तो फिलहाल इतना ही था,
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।